तो अभी तक हमने दो टाइप्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सोल्व किया, एक तो रिवर बोट प्रॉब्लम सोल्व किया और दूसरा विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम सोल्व किया। एक तीसरे तरीके का प्रॉब्लम आता है जिसको हम लोग कहते हैं रेन मैन प्रॉब्लम, मतलब कहीं बारिश हो रही हो और जो आदमी है वो छाता यानी अम्ब्रेला लेकर के भाग रहा है, तो उसमें हमें ये पता करना होता है कि किस एंगल पर छाते को होल्ड करे, किस एंगल पर छाते को रखेगा जिससे कि वो भीगे नहीं, है ना। तो उसके लिए हमें कुछ जो है इसमें हमने चार केसेज बनाए हैं, चार फिगर बनाए हैं। हर एक केस में देखेंगे कि जैसे जैसे आदमी की जो वेलोसिटी बढ़ती है तो किस तरह से रेन ड्रॉप जो है वो सामने से आते हुए दिखते हैं। आप देखेंगे मैंने चार फिगर बनाया है, चारों फिगर में जो है कॉमन ये है कि जो वी आर है, वी आर यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन, वी आर का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी है। तो चारों केस में ये जो एंगल है वो इक्वल है ना। ये एंगल मैं मान लेता हूं कि ये है 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल चारों केस में है, यानी कि रेन ड्रॉप्स जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन आदमी जो है, आदमी यहां पर है, इस आदमी की वेलोसिटी जो है वो बदल रही है। पहले जो है ये आदमी रेस्ट पर है, रेस्ट का मतलब हुआ कि आदमी की जो वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो जब आदमी की वेलोसिटी जीरो होगी तो उसको रिलेटिव मोशन तो दिखेगा ही नहीं, उसको रेन ड्रॉप्स का एक्चुअल मोशन दिखेगा, यानी उसको एक्चुअली में रेन ड्रॉप्स इसी डायरेक्शन में आते हुए दिखेंगे। तो होगा क्या कि उसको जो अम्ब्रेला है वो बिल्कुल वी आर के डायरेक्शन में, वी आर के डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखना पड़ेगा जो है बारिश से बचने के लिए, ठीक। अब ऐसा मान लेते हैं कि जो आदमी है ये आदमी अपना स्पीड बढ़ा देता है, इसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से ये भागना शुरू करता है। तो अब रेन ड्रॉप्स जो है उसको थोड़े से जो है वो सामने से आते हुए दिखेंगे, थोड़े से सामने से आते हुए दिखने का मतलब हुआ कि इनका जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है। अब आदमी को ये वाला एक्चुअल वाला मोशन तो दिखेगा ही नहीं क्योंकि वो चल रहा है, तो उसको रिलेटिव मोशन दिखेगा, यानी कि अब उसको दिखेगा वी आर एम। वी आर एम क्या है? वी आर एम है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, है ना। यहां पर मैन जो था स्टेशनरी था तो रिलेटिव वेलोसिटी कह लें, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सब बराबर था, लेकिन जब आदमी चलना शुरू कर दिया तब उसको रिलेटिव मोशन दिखेगा, ठीक। तो एक्चुअली में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स इधर आ रही हैं, जब आदमी इधर चलना शुरू किया तो उल्टे डायरेक्शन में ये शिफ्टिंग हो गया। उल्टे डायरेक्शन में क्यों शिफ्टिंग हुआ? जैसे मैं कहता हूं कि मैं खड़ा हूं, है ना, या बोर्ड जो है खड़ा है, जब मैं इधर चलता हूं तो बोर्ड उसका उल्टा भागता है, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है मेरे मोशन के अपोजिट डायरेक्शन भागता है। तो उसी तरह से जब आदमी स्टेशनरी था तो रेन ड्रॉप्स ऐसे आ रहे थे, जब ये इधर भागना शुरू किया तो रेन ड्रॉप्स थोड़े से उल्टे भागने शुरू करेंगे, रिलेटिव मोशन जो है थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट होगा, है ना। अब जो है क्योंकि आदमी को ये रिलेटिव मोशन ही अब दिखेगा, इसलिए उसको अम्ब्रेला अब इस रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा इधर, है ना। तो ऑब्वियसली ये जो एंगल है, पहले ये 45 था, अब ये एंगल कम हो गया, मान लेते हैं 30 डिग्री हो गया, तो अब अम्ब्रेला उसको वर्टिकल से 30 डिग्री पर रखना पड़ेगा। अब जो है मान लेते हैं कि इस आदमी ने अपना स्पीड और बढ़ा दिया, इसकी वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ मैन हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड से जब चल रहा था तो रिलेटिव मोशन यहां दिख रहा था, इधर शिफ्ट हुआ था, अब स्पीड और बढ़ा दिया तो ये और पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पीछे तरफ शिफ्ट होने का मतलब हो सकता है कि जस्ट उसको वर्टिकल आते हुए दिखने लगे, यानी जो वी आर एम है वो अब वर्टिकल दिखने लगा, ये और ज्यादा यहां से भी पीछे शिफ्ट हो गया, मतलब यहां आ गया,
है ना। तो इस बार इस आदमी को बारिश से बचना हो तो अम्ब्रेला जो है वर्टिकल करना पड़ेगा, ठीक। अब अगली बार मान लेते हैं कि आदमी ने अपना स्पीड और बढ़ा दिया, इसने अपना स्पीड कर दिया 20 मीटर पर सेकेंड, तो जब टेल से चल रहा था तो रेन ड्रॉप्स उसको वर्टिकल आती हुई दिख रही थी, अब 20 कर दिया तो ये और पीछे शिफ्ट होना चाहिए, यानी रेन ड्रॉप्स अब उसको सामने से आते हुए दिखेंगे, वीआरएम जो है अब इधर से हो गया, तो ये एंगल हो सकता है 30-40 कुछ हो सकता है ना, तो ये और जो है यहां से भी पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम हमेशा ही बनाना है, जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे रेनमैन प्रॉब्लम का तो ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाते टाइम में कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो वो जो है अभी मैं यहां पर नोट डाउन करता हूं। पहले तो यहां पर एक ये चीज समझना है कि यहां पर जो वीएम है ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। अब इसमें जो मैंने बताया कि हमें चार पॉइंट्स को या तीन पॉइंट जो भी है वो ध्यान रखना है डायग्राम बनाते टाइम में, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताता हूं। इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि जैसे जैसे आदमी की स्पीड बढ़ रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो उसके मोशन के उल्टा डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, वी आर एम शिफ्ट्स अपोजिट टू वीएम व्हेन स्पीड ऑफ मैन इंक्रीजेस, है ना। तो जैसे जैसे वीएम बढ़ रहा होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वीआरएम शिफ्ट होगा, जैसा कि फिगर में हमने दिखाया, पहले जब रेस्ट था तो यहां था, अगली बार और शिफ्ट हो गया यहां आ गया, अगली बार और शिफ्ट हो गया, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है तो ये उल्टा डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है, एक पहला फिगर को छोड़ दें क्योंकि उसमें तो आदमी चल ही नहीं रहा, जब आदमी चल रहा है तो सब में आप देखेंगे कि ऑब्जर्व करेंगे कि वीएम और वीआरएम के बीच में वीआर है, हमेशा वीएम और वीआरएम के बीच में वीआर है, वीएम और वीआरएम के बीच में वीआर है, है ना। तो डायरेक्शन कभी इधर रखना पड़ सकता, इधर रखना पड़ सकता, उसमें ध्यान रखना है कि वीआर हमेशा वीएम और वीआरएम के बीच में आना चाहिए, वीआर ऑलवेज लाइज बिटवीन वीएम एंड वीआरएम इन द डायग्राम, ये ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जब तक कहा नहीं जाए कि जो रेन ड्रॉप्स का स्पीड है वो बढ़ गया है ना, तो आदमी का स्पीड चेंज होने से वीआर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वीआरएम में फर्क पड़ता है ना। तो कह सकते हैं कि वीआर डू नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन वीएम, ये ध्यान रखना है। मतलब आदमी अपना स्पीड चेंज करेगा तो रेन ड्रॉप्स के स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके रिलेटिव में जो है यानी वीआरएम में फर्क पड़ेगा, वो शिफ्ट होता है पीछे की तरफ। तो ये तीन बातें ध्यान रखेंगे तो हम लोग ये डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम एक बार बन जाएगा ऐसा, फिर तो क्या करना है कि हमें रिलेटिव वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज करना है। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है कि जो वी आर एम है उसको हम लोग लिख सकते हैं वी आर माइनस वी एम, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से जो है आप देख सकते हैं कि जो वी आर आएगा वो आएगा वी आर एम प्लस वीएम, है ना, ये आ जाएगा। इस इक्वेशन को मैं यहां पर दोबारा लिख देता हूं, वी आर इज इक्वल टू वी आर एम प्लस वीएम, ये बेसिक इक्वेशन है ना। तो इस इक्वेशन के हिसाब से जो है इनको हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर्स को रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज। जैसे मान लेता हूं कि ये इक्वेशन वन है ना, कह सकते हैं रीअरेंज द वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू
equation 1 and apply properties of triangle to find the unknown. ठीक है, तो इसके बाद ये जो वेक्टर्स दिए गए हैं इन वेक्टर्स को यूज करके हम लोग वेक्टर ट्रायंगल बनाएंगे, है ना। वेक्टर ट्रायंगल कैसे बनेगा, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब रीअरेंज करेंगे तो वेक्टर ट्रायंगल बनेगा। फिर उस वेक्टर ट्रायंगल में से प्रॉपर्टी जब ट्रायंगल अप्लाई करके अननोन की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे मैं यहां पर सबसे पहले इसमें वेक्टर ट्रायंगल बनाता हूं, है ना। हमें क्या करना है कि ऐसा करना चाहिए कि VRM और VM दोनों को ऐड करने से VR मिलना चाहिए। ऐड करने का तरीका क्या है, हेड और टेल मिलना चाहिए। तो इनको मैं कुछ इस तरह से रीअरेंज करूंगा, देखेंगे ये हो गया VR VM। VM जो है वो इधर दिया हुआ था, बिल्कुल वैसे ही रखा है। ये VRM है तो VRM को मैं इधर लिख देता हूं। वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, ये वेक्टर चेंज नहीं होता। अब लग रहा है कि VM और VRM ऐड हो रहे हैं क्योंकि हेड और टेल मिल रहा है। फिर फ्री टेल और फ्री हेड मिला देंगे ऐसे, तो ये जो है ये VR हो गया। जैसा कि कहा गया इसमें VRM VM को ऐड करने से VR मिलना चाहिए, हमने VM VRM को ऐड करा और जो VR है ये रिजल्टेंट आ गया, है ना। तो जो वेक्टर दिए गए हैं उनको वैसे ही रखना है। आप देखेंगे VM हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल रखा है। VRM वर्टिकल था, वर्टिकल रखा है। VR एंगल पर था, वो भी एंगल पर रखा है। जो जैसे है वैसे ही रखना है, बस इनको रीअरेंज करना है, इस तरह से एक वेक्टर ट्रायंगल बनाना है जिससे ये लगना चाहिए कि VM VRM को ऐड किया जा रहा है, इसको इसको ऐड किया जा रहा है और ये रिजल्टेंट मिल रहा है ना। अब ये वेक्टर ट्रायंगल बन जाएगा, जैसे मान लेते हैं 45 डिग्री का एंगल दिया हो, ये 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो बाकी सब निकाल सकते हैं। अगर ये 90 है, 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। ये 10 है, क्योंकि 45 का मतलब आइसोसेलस ट्रायंगल बन गया है, तो ये भी 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये जो है कितना आ जाएगा, ये 10√2 आ जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक ट्रायंगल बनाया, उस ट्रायंगल को सोल्व करके जो है सारे वैल्यूज पता कर लिए, इवन एंगल और सारे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड भी निकाल लिए। उसी तरह से अगर इसमें बनाए तो इसमें वेक्टर कैसे बनेगा, इसमें देखेंगे कि ये जैसे मान लेता हूं कि ये VM है ना, और ये जो VRM है वो VRM इधर है, ठीक है ना, ऐसे। और ये दिख रहा है आपको, VM और VRM ऐड हो रहे हैं, इसके हेड से इसका टेल मिल रहा है। VRM में VM ऐड करना है तो हेड टेल मिलना चाहिए, फिर फ्री टेल फ्री हेड मिला देंगे तो ये ऐसे जाना चाहिए, क्योंकि VR ऐसे दिया हुआ है, तो VR जैसे दिया हो वैसे ही रखेंगे। अब यहां पर एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि जो VR था 45 डिग्री का एंगल बना रहा था, तो ये 45 डिग्री का एंगल हो गया। VRM 30 डिग्री का बना रहा था, तो ये 30 डिग्री हो गया, तो ये भी 45 आएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने। ये 30 है तो फिर ये 60 आना चाहिए, है ना, ये 20 है, ठीक। तो उसी तरह से जैसे आप देखेंगे कि यहां पर हमने एक वेक्टर ट्रायंगल बनाया है, इसमें कुछ वैल्यूज दिए रहेंगे, कुछ निकालने होंगे, तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जैसे यहां यूज किया वैसे वहां भी यूज करके हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे इसमें बनाना हो तो क्या करेंगे, देखेंगे कि जो VM है ये हॉरिजॉन्टल है, है ना, उसके बाद VRM जो है ये ऐसे है, और फिर इन दोनों को मिला देंगे हेड टू टेल, तो ये हो जाएगा VR। अब यहां पर हम लोग ये कर सकते हैं ऐसे, है ना। तो देखेंगे कि जो वर्टिकल है, वर्टिकल से VR का डायरेक्शन जो था 45 डिग्री था, और VRM जो है ये VRM है ग्रीन वाला, तो ये जो है यहां से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, जैसे यहां 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 होना चाहिए, ये 30 है तो ये 60 होना चाहिए, ये 90 है ऐसे। तो फिर इसमें भी वैसे ही ट्रायंगल प्रॉपर्टी, जब ट्रायंगल यूज करेंगे साइन रूल को, साइन रूल यूज कर सकते हैं और जो अननोन वैल्यू है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं।
ठीक। तो इस तरह की थ्योरी है। थ्योरी में करना क्या है, हमें हमेशा एक डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन में दिया होगा। डायग्राम बनाने के बाद जो वेक्टर्स दिए गए हैं, डायग्राम बनाने में ये तीन पॉइंट ध्यान रखना है। एक बार डायग्राम बन गया तो जो भी वेक्टर्स यहां पर हैं उनको इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करते हुए एक वेक्टर ट्रायंगल बनाना है। फिर ट्रायंगल जो बन गया है उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करके हम लोग अननोन वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक, तो रेनमैन प्रॉब्लम पर बेस्ड हम लोग दो तीन एग्जांपल्स करेंगे, जिसमें से पहला एग्जांपल आप देखें, कहा गया है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। रेन ड्रॉप्स जो हैं वो वर्टिकल आ रहे हैं, मतलब कि जो वी आर है वो कुछ इस तरह से ऐसे आ रहा है, जो वी एम है वो इधर होगा। इसमें से वी आर दिया हुआ, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ये है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड मैन इज मूविंग विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, ये दिया गया है 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एंगल एट विच ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू अवॉइड गेटिंग वेट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो है बारिश से बचने के लिए हमेशा जो अम्ब्रेला है वो वी आर एम के डायरेक्शन में रखना है, जैसा कि फिगर में दिखाया था। तो वी आर एम का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, क्या इधर होना चाहिए या इधर होना चाहिए। तो मैंने जो तीन पॉइंट्स लिखवाए थे उसमें ये बताया था कि जो वी आर है वो बीच में होता है वी एम के और वी आर एम के। इसका मतलब ये हुआ कि जो वी आर एम है वो कहीं इधर होना चाहिए, तभी वी आर एम और वी एम के बीच में ये आएगा, है ना। अब इतना पता चल गया कि इधर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एंगल है मान लेते हैं अल्फा, इस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो चूंकि हमने डायग्राम बना लिया, अब क्या करेंगे, वेक्टर ट्रायंगल बनाएंगे। वेक्टर ट्रायंगल बनाते टाइम में ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है इनको, वी आर एम प्लस वी एम, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी और आदमी की वेलोसिटी दोनों को ऐड करने से वी आर मिलना चाहिए। तो देखेंगे कि इसमें वी एम जो है वो इधर है और जो वी आर एम है वो ऐसे जा रहा है, और वी आर बिल्कुल वर्टिकल है तो वी आर को बिल्कुल वर्टिकल रखेंगे। ठीक, अब ये एंगल जो है वी आर एम का वर्टिकल से अल्फा दिया हुआ है तो ये वाला एंगल अल्फा होना चाहिए। वी एम दिया गया है 6 और वी आर दिया गया है 10, तो ये एंगल अल्फा निकालना हो तो मैं टेन अल्फा निकाल सकता हूं। टेन अल्फा की वैल्यू इस ट्रायंगल में देखेंगे तो आएगा 6/10, यानी कि 3/5। तो अल्फा की जो वैल्यू है ये हो गया टेन इनवर्स 3/5। ठीक है, तो ये तो हो गया अल्फा की वैल्यू। अगर बाय चांस इसमें रिलेटिव वेलोसिटी पूछा होता तो वो भी निकाल सकते थे, 10² + 6² का रूट ऐसे निकाल सकते थे। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। इसमें कहा गया है ए मैन मूविंग विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली। अगर मूविंग मैन कुछ ऑब्जर्व कर रहा है तो हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेगा, यानी वी आर एम को ऑब्जर्व करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर एम जो है वो वर्टिकल है, यानी कि वी आर एम वर्टिकल होगा, और दिया हुआ ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड है। तो जो वी आर है वो किधर होगा, जैसा कि बताया वी आर वी आर एम और वी एम के बीच में होता है, यानी वी आर जो है वो कहीं इधर होना चाहिए, इधर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से ट्रायंगल बनाते हैं तो देखेंगे। ट्रायंगल में ध्यान रखना है कि जो वी आर है वो होना चाहिए वी आर एम प्लस वी एम के बराबर। तो ये हो गया वी एम और ये हो गया वी आर एम जो कि वर्टिकल है। जैसा वी एम रखा मैंने रखा, जैसे वी आर एम था वैसे वी आर एम रखा, और इनको फ्री टेल टू फ्री हेड मिलाएंगे, ये होना चाहिए वी आर, है ना। तो वी एम इसमें क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, वी आर एम 10 दिया हुआ है, तो वी आर कितना हो जाएगा, पाइथागोरस रूल लगा सकते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना। तो ये हो जाएगा 10² + 5² का रूट, तो 125 का
रूट यानी कि 5 रूट 5 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया ठीक। उसके बाद पूछा गया है इसका एंगल, मतलब ये जो VR है ये वर्टिकल से मान लेते हैं अल्फा एंगल बना रहा होगा, VR जो है वर्टिकल से ये अल्फा एंगल बना रहा होगा, तो tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 5 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 1/2। तो अल्फा का जो वैल्यू है उसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2। तो डायरेक्शन भी निकल गया और मैग्नीट्यूड भी निकल गया।